Hi everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्ट एम्प्टीज वीडियो शेयर करने वाली हूँ और जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन केयर रिलेटेड है, मोस्टली फेस वॉशेज हैं, फेस क्रीम्स हैं. सो यही दो कैटेगरी के बारे में आज बात करेंगे. तो अगर आपको पता नहीं है कि एम्प्टीज क्या है, प्रोडक्ट एम्प्टीज इज़ बेसिकली आई विल शेयर एवरीथिंग दैट आई हैव फिनिश्ड कम्प्लीटली and I will give you a very black and white answer if I'll be repurchasing the product or not and if I find ki product is worth your money or not. So aaj ka video isi ke bare mein hone wala hai. So let's begin. Before we do so, make sure ki aapne mere channel pe subscribe kar liya hai, you hit the bell notification and you follow me on Instagram and now let's get started. To sare products is bin mein rakhe hue hain, itne zyada products nahi hai but I'll try to go through them quickly. So the first product that I'm picking is this tea tree daily use foaming face wash. This is how the product looks like. This is from the brand called as Expel. ये मैंने online नहीं खरीदा था, मेरे पास घर के पास में एक grocery store है Q-Mart, मैंने वहाँ से pick किया था. वहाँ पर UK-US based products बहुत easily मिल जाते हैं. So this is a UK based company and Expel is the कंपनी एंड उसका ये टी ट्री फोमिंग फेस वॉश है. ये मुझे बिल्कुल डिटॉल की तरह लग रहा था एंड जब मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही थी मुझे काफ़ी हार्श भी लगा, मुझे उतना पसंद नहीं आया ये. एंड डिस्पाइट हैविंग एक्ने प्रोन स्किन आई डोंट वांट टू यूज़ समथिंग विच फील्स लाइक डिटॉल और सैनिटाइजर ऑन माई फेस. सो मुझे ऐसा लगा कि टी ट्री बहुत स्ट्रांग था इसके अंदर एंड मुझे ये एक्चुअली उतना पसंद नहीं आया. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपर्चेज दिस वन. नेक्स्ट फेस वॉश इज़ फ्रॉम बॉडी क्यूपिड एंड बॉडी क्यूपिड का ये डीप क्लैरिफाइंग फेस वॉश है. दिस वन इज़ स्पेसिफिकली फॉर ड्राई एंड एजिंग स्किन. नाउ डिस्पाइट हैविंग एक्ने प्रोन स्किन, सीजन के हिसाब से मेरी स्किन ड्राई या ऑयली होती रहती है. मोस्टली समर्स में काफ़ी ऑयली हो जाती है, बाकी सारे सीजन्स में कॉम्बिनेशन या ड्राई पे लीन करती है. सो ये वाला मैंने लिया था क्योंकि सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री एंड ऑल ऑफ दैट है. एंड मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये उतना हार्श नहीं होगा एंड मुझे ये एवरेज लगा. मतलब इसका जो विटामिन सी है ना बॉडी क्यूपिड का, विटामिन सी वाला वेरियंट है सो गुड, उसके हिसाब से ये वाला उतना अच्छा नहीं लगा मुझे. प्लस मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई. मतलब द फ्रेग्रेंस इज़ वेरी वियर्ड मेडिसिनल, इट आई जस्ट डिड नॉट लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस. मुझे इसका विटामिन सी एंड इसका टी ट्री वाला बहुत अच्छा लगा था. आई एम नॉट गोइंग टू रिपर्चेज दिस पर्टिकुलर वेरियंट. नाउ द नेक्स्ट फेस वॉश इज़ विटामिन सी फेस वॉश एंड दिस इज़ फ्रॉम सेंट बॉटनिका. सेंट बॉटनिका का ये विटामिन सी का फेस वॉश का फ्रेग्रेंस इतना ख़राब है, मतलब लिटरली इट इज़ सो केमिकलिश इज़ वॉट आई एम वॉन्ट टू से. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिट्रस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस है इसका, जैसे पील ऑफ ऑरेंज पील ऑफ्स का फ्रेग्रेंस होता है ना, बिल्कुल वैसा टाइप का था. उसका कंसिस्टेंसी भी वैसे ही लगा मुझे पील ऑफ जैसा. मुझे ओवरऑल ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. हालांकि इसमें ऑरेंज पील, टर्मरिक, नीम एंड सैफ्रन था तो इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे थे बट इट जस्ट डिड नॉट वर्क वेल फॉर मी. बहुत अच्छे से क्लीन भी नहीं कर रहा था ये फेस को. आई हैव जस्ट फिनिश्ड इट विद ग्रेट डिफिकल्टी. आई एम नॉट गोइंग टू रिपर्चेज दिस वन. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम क्लीन एंड क्लियर एंड ये मॉर्निंग एनर्जी फेस वॉश है एंड ये ऑयल फ्री है, वोंट क्लॉग पोर्स एंड दिस इज़ एक्वा स्प्लैश एंड ये कूलिंग मेंथॉल के साथ आता है. इतना ज़्यादा बड़ा नाम है इसका. सो मुझे ना ये वाला सिर्फ समर सीजन के लिए अच्छा लगा. बहुत टिंगल करता है फेस के ऊपर, बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है. बट टू बी ऑनेस्ट वो जो कूलिंग इफेक्ट वाला फील है ना वो सिर्फ समर सीजन में ही अच्छी लगती है, बाकी सारे सीजन्स में इट जस्ट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी. इट स्पेशली इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल. आई डोंट लाइक दैट मेंथॉल वाला फीलिंग इन ऑल सीजन्स. समर सीजन में हाँ हमको बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है तो ये अच्छा फील होता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिपर्चेस इट, प्रॉबली रिपर्चेस इट ड्यूरिंग समर्स, बाकी समय नो. देन आई हैव दिस फेस वॉश फ्रॉम सिंपल एंड ये सिंपल रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश है एंड दिस इज़ लाइक काइंड टू स्किन एंड दिस डज नॉट हैव एनी आर्टिफिशियल परफ्यूम, कलर, हार्श केमिकल्स, नो सोप, नो मिनरल ऑयल्स एक्सेट्रा. बट टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज टू जेंटल फॉर माई स्किन. मुझे लिटरली दो
2 बार 3 बार फेस वॉश करना पड़ रहा था अगर इफ़ आई वॉज़ यूजिंग दिस वन, और मुझे ना वर्थ नहीं लगा, बिकॉज अगर आपको इतना कष्ट उठाना पड़े एक फेस वॉश के साथ, 2 3 बार अगर आपको धोना पड़ रहा है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? मतलब आई एम अ लेजी गर्ल व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, एंड इफ़ आई हैव टू वॉश माई फेस 3 times 2 times टू फील दैट क्लेनलीनेस, देन आई विल प्रेफर हैविंग अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर फेस वॉश, यू नो. बट दिस इज़ अ वेरी फेमस फेस वॉश, पीपल लव दिस फेस वॉश, स्पेशली डे टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है. सुबह उठते ही साथ आपको फेस वॉश करना है तब ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन रात को जब इतना मेकअप और ये सब निकालने के बाद, जब आप ऑयल, यू नो, यू यूज़ ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स टू रिमूव योर मेकअप एंड स्टफ लाइक दैट, तब तो इसको 3 4 बार यूज़ करना पड़ता है, तब कहीं जाके थोड़ा स्क्वीकी क्लीन फील होता है फेस के ऊपर. तो सुबह के लिए ये अच्छा है, मॉर्निंग के लिए, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए दिस इज़ अ फेलियर फॉर मी. आई एक्चुअली एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस, सो आई पास, आई विल नॉट रिपर्चेज इट. देन आई हैव अ वेरी वेरी लव्ड प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम इनिसफ्री. ये इनिसफ्री का वाइन पीलिंग जेली सॉफ्टनर है, एंड ये एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है जो आप, इट्स लाइक अ केमिकल पील, नॉट अ केमिकल पील पर से, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको बोलते क्या है, बट बेसिकली ये क्या करता है कि यू जस्ट टेक सम अमाउंट, वॉलनट साइज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एंड यू स्टार्ट रबिंग इट ऑन योर फेस, एंड जितना भी डेड स्किन है वो ऐसे पील होके बाहर आ जाता है. सो ये मेरी स्किन को इतना क्लीन, इतना प्यारा और इतना अच्छा कर देता था. मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, एंड यू नो वॉट, यू डोंट हैव टू यूज़ द पीलिंग वाला प्रोडक्ट एवरी डे, राइट? यू जस्ट हैव टू यूज़ वंस इन 2 weeks और वंस इन अ वीक. सो ये वाला प्रोडक्ट डिस्पाइट कुछ 1000 या 900,000 का था, बट ये वाला प्रोडक्ट ना मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 7 months चल गया, तो आई विल से टोटल पैसा वसूल है. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से वर्क करता है. इट रियली हेल्प्स इन मेकिंग द स्किन सुपर सॉफ्ट एंड ग्लोई एंड नाइस. सो हाईली रिकमेंडेड, एंड आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मामा अर्थ का माइसेलर वाटर, एंड ये माइसेलर वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर था. इसमें रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड था, एंड दिस वन वॉज बेसिकली फॉर क्लीनिंग ऑफ द मेकअप. इट कम्स विद दिस ब्रश, प्लास्टिक ब्रश, तो आपको बस यहाँ पे प्रेस करना था और ये फोम बाहर निकलता था, एंड यू कैन लाइक यूज़ दिस थिंग ऑन योर फेस. ऑनेस्टली मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. एक तो इसका फ्रेग्रेंस वॉज लाइक दिस पनियल केमिकल रोज वाटर. इट वॉज सो अपसेटिंग, द फ्रेग्रेंस वॉज सो अपसेटिंग दैट पूरा स्किन केयर करने का मज़ा निकल जाता था. मेकअप भी इससे, मस्कारा वगैरह आप नहीं रिमूव कर सकते, सिर्फ बेसिक माइसेलर वाटर है ये, ऑयल इन्फ्यूज नहीं है, तो सिर्फ बेसिक फाउंडेशन वगैरह निकल जाता था इससे. तो एनीवेज आपको कोई दूसरा मेकअप रिमूवर यूज़ करना ही पड़ेगा मस्कारा वगैरह निकालने के लिए. एंड ऑफकोर्स मेबलिन इंक मैट, आपको पता है कितना चिपकू लिपस्टिक है, उस टाइप के लिपस्टिक्स को ये नहीं निकाल पाता था. बेसिक मेकअप जो होता है ना, बिल्कुल बेसिक, वो ही अच्छे से रिमूव कर देता था. एंड ये बेसिकली एक्सफोलिएट करने के लिए है अलॉन्ग विथ रिमूविंग द मेकअप, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर लगा रहता था कि जब मैं मेकअप अपना रिमूव कर रही हूँ उस टाइम पे अगर मैं एक्सफोलिएट साथ में करूँ इस ब्रश के थ्रू, हो सकता है मेरे पोर्स में मेकअप अंदर चले जाए. वो डर मुझे हमेशा था. आई डोंट नो इफ इट इज़ साइंटिफिकली राइट और एम आई रॉन्ग और आई वॉज टू पैरानॉइड, बट मुझे वही लगा कि यार एक्सफोलिएशन का मतलब ये होता है कि आप अपने पोर्स को एक्सफोलिएट कर रहे हो, आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो, आप अपने पोर्स को ओपन करने को ट्राई कर रहे हो, और ऐसे टाइम पे जब मेरे फेस पे ऑलरेडी मेकअप है, इज़ दैट द राइट टाइम फॉर मी टू एक्सफोलिएट विद दिस ब्रश? सो मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा ये प्रोडक्ट, एंड मैं डेफिनेटली इसको नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपर्चेज दिस, बिकॉज मुझे इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं लगा. लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द परफॉर्मेंस. सो नो. मूविंग ऑन टू डॉट इन की, ये डॉट इन की का सन रीफ सेफ सन ब्लॉक है. दिस इज़ अ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लोशन, एंड दिस वॉज SPF 40. अब इसमें ब्लड ऑरेंज एंड रूबस टी, दीज आर द टू मेन इन्ग्रीडियंट्स, एंड ये 50 ml का था. तो ये वाइट कास्ट छोड़ता है, मतलब
ये काफ़ी हद तक अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा क्वांटिटी लगा दिया तो इसका काफ़ी वाइट कास्ट छोड़ता है एंड इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है क्रीम की। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ये ठीक लगेगा, अगर आपकी थोड़ी सी ऑयली स्किन है या थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा फील होता है स्किन के ऊपर। तो टू बी ऑनेस्ट, ब्लेटेंटली ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया इस प्रोडक्ट को। आई थिंक इससे बेटर मेरे ऊपर नीविया या मेरे ऊपर लैक्मे के सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छे काम कर जाते हैं। मैं अभी बायोटिक का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, कुछ कैरेट वेरिएंट वाला, दैट इज़ सो गुड। उसके सामने ना मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस। अब नेक्स्ट इज सेंट बॉटनिका मोरक्कन आर्गन ऑयल डे क्रीम। दिस वन हैड SPF 30, UVA, UVB, PA++। ये वाली क्रीम मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी एवरीडे बेसिस पे यूज़ करने के लिए। इट वॉज सो गुड, एकदम आखिरी बूंद तक मैंने इसको यूज़ करके ख़त्म किया है, पूरा पैसा वसूल किया मैंने इसको। एंड ये क्रीम मैं डेली सुबह स्किन केयर रूटीन का पार्ट था मेरे। सो सिंस इसमें SPF है तो मैं रात को इसको नहीं लगाती थी, सिर्फ डे टाइम पे लगाती थी। तो इसको मैंने बहुत शिद्दत से यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगी, इसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छे से सिट करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है सेंट बॉटनिका का ये वाला क्रीम बहुत अच्छा है। आई रिकमेंड इट एंड आई लाइक इट एंड आई विल ऑल्सो रीपर्चेज इट। देन कमिंग टू माई फेवरेट क्रीम, पता नहीं कितने प्रोडक्ट एम्प्टीज में मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। दिस वन इज़ फ्रॉम पॉन्ड्स, दिस इज़ सुपर लाइट जेल, दिस इज़ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, दिस हैज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड वाइटामिन ई इन इट। अगेन आई हैव कम्प्लीटली कम्प्लीटली फिनिश द टब एंड आई हैव, आई थिंक दिस इज़ माई लाइक फिफ्थ और सिक्स और सेवेंथ टब। सो बेसिकली आई हैव लाइक गॉन थ्रू सो मेनी ऑफ दीज। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई इवन गॉट बोर्ड कि भाई कब तक एक ही क्रीम यूज़ करते रहोगे। सो आई मे कीप दिस ऑन होल्ड फॉर सम टाइम जस्ट बिकॉज आई एम बोर्ड, बट आई लव दिस क्रीम एंड आई हाईली रिकमेंड इट। इट्स वेरी सस्ता एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट्स वेरी गुड, इट हाइड्रेट्स रियली वेल। देन कमिंग टू माई फेवरेट क्ले मास्क, दिस वन इज़ फ्रॉम डॉट एंड की। ये डॉट एंड की का पॉल्यूशन एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क है एंड ये 80 ग्राम का प्रोडक्ट था। दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, इट वॉज ग्रीन इन कलर एंड इसको लगा के आई यूज टू लुक लाइक लेडी हल्क, बट आई एब्सोल्यूटली लव्ड दिस क्ले मास्क। यार इतने अच्छे से स्किन को क्लीन करता ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस फ्रॉम डॉट एंड की। एंड अगर आपको एक्ने है तो ये एक्ने के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से सिट करके यू नो एक्ने को थोड़ा सा काम डाउन करने में भी हेल्प करता है। सो मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। द नेक्स्ट फेस क्रीम इज़ फ्रॉम कामा आयुर्वेदा एंड ये कामा आयुर्वेदा का इलादी हाइड्रेटिंग आयुर्वेदिक फेस क्रीम है। ऑनेस्टली मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगी थी एंड मैंने इसको बहुत शिद्दत से यूज़ किया। इसमें कोई SPF वगैरह नहीं है बट लाइक एवरी ड्रॉप ऑफ दिस क्रीम आई हैव फिनिश्ड। दिस इज़ स्लाइटली हाई एंड क्रीम एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ये 1500 का था एंड मुझे लेकिन यूज़ करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ इट इज़ वर्थ द मनी। ये दिस वॉज समथिंग दैट वॉज रिकमेंडेड बाई माई फ्रेंड एंड शी ऑल्सो हैज़ सेम स्किन टाइप एज माइंड, सो आई लाइक हर रिकमेंडेशन एंड आई ऑल्सो लाइक द क्रीम। विल आई रीपर्चेज इट? आई एम स्टिल ऑन द फेंस अबाउट इट बिकॉज देर आर सो मेनी क्रीम्स विच आर लेसर इन प्राइस एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग वेल फॉर मी, सो आई विल कीप दिस ऑन होल्ड। सो द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ फ्रॉम डॉट एंड की एंड ये ग्लो सी स्लीप मास्क है, विटामिन सी ओवर नाइट स्लीपिंग मास्क है बेसिकली, रेडियंट रिकवरी। दिस इज़ हाउ द डब्बा ऑफ दिस लुक्स लाइक। द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज़ सो क्यूट एंड ऑल, बट यार इट्स द ओनली थिंग इज़ कि यू नो डॉट एंड की से मैंने जब ये वाला, दिस इज़ माई रीपर्चेस प्रोडक्ट ऑलरेडी, तो ये वाला इफेक्टिव है एंड काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन पे काम किया, बट इसमें ना पहले पाइनएप्पल का फ्रेग्रेंस आता था एंड देन बहुत सारे कस्टमर्स ने कंप्लेन किया डॉट एंड की को एंड दे कम्प्लीटली रिमूव्ड द फ्रेग्रेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड देन दिस पर्टिकुलर वेरियंट विटामिन सी का स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक केमिकल एंड बहुत ही गंदा विटामिन सी का खट्टा केमिकल सा इसमें फ्रेग्रेंस आ गया। तो उसकी वजह से मुझे जब मैं इस क्रीम को लगाती थी ना, मुझे इतना डिस्कम्फर्ट होने लग गया। मतलब दिस वन वॉज वन ऑफ माई फेवरेट टॉप 5 क्रीम्स
एंड देन दे चेंज द फॉर्मूला, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसका चेंज हो गया, इसका फ्रेग्रेंस निकल गया. आई इवन मैसेज्ड डॉटन की आस्किंग देम कि मेरे पास इसका एक और वर्जन रखा हुआ है जिसमें पाइनएप्पल की खुशबू आती है, उसका कंसिस्टेंसी ज़्यादा स्मूथ है, सो हैव यू चेंज द फॉर्मूला. एंड डॉटन की रिप्लाइड बैक सेइंग दैट वी हैव नॉट चेंज द फॉर्मूला, वी हैव ओनली रिमूव द फ्रेग्रेंस. बट आई डोंट नो, आई हैव माई डाउट्स बिकॉज जो मेरा ओल्डर वाला डब्बा था उसका कंसिस्टेंसी इससे बेटर था एंड उसमें फ्रेग्रेंस भी अच्छा वाला था. बट जो नया वाला मैंने ख़रीदा उसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ऐसे प्लॉपी सा था एंड थोड़ा सा ऐसे ग्लूई गुई गुई टाइप का कंसिस्टेंसी था एंड द फ्रेग्रेंस वॉज हॉरिबल. सो आई रिग्रेटेड रीपर्चेसिंग दिस प्रोडक्ट एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई प्रॉब्ली वोंट बी रीचिंग आउट फॉर दिस. Oh my god, that was the fastest that I could speak in a product empties just because I don't want this video to be super long. So that's it for today's video. Thank you guys. Thank you so much for being patient and sticking around till the end of the video. Please support my channel. Please subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.